नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने परीक्षा कहानी को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट वन में मैं परीक्षा कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट टू में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं आपको यह याद दिला दूँ कि कहानी सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य साहित्यिक परिचय इसके पहले उनके द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूँ। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य रचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट वन वीडियो के रूप में आपके समक्ष कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत परीक्षा कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो ये केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों एवं कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। परीक्षा इनकी एक श्रेष्ठ सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी इनकी अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। दरअसल यह कहानी इनकी एक अत्यंत ही छोटी और साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने निस्वार्थ भाव से बढ़कर किए गए परोपकार को महत्व देने का प्रयास किया है। व्यक्ति की सच्ची परीक्षा उसके हृदय में स्थित दया परोपकार को आत्मबल और पुरुषार्थ
भाव की उच्चता के संदर्भ में करवाकर लेखक ने अंततः सद्गुणों की प्रतिष्ठा की है। सरदार सुजान सिंह द्वारा पंडित जानकीनाथ को दीवान के पद पर नियुक्त करना सद्गुणों का महत्व स्थापित करता है। सरदार सुजान सिंह रियासत देवगढ़ के एक दीवान थे। दीवानी का पद संभालते संभालते जब वे बूढ़े हो गए तब उनके मन में ईश्वर की भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः वे अपना अब बचा हुआ समय ईश्वर के भजन कीर्तन में व्यतीत करना चाहते थे। इसीलिए एक दिन उन्होंने राजा साहब से दीवान का पद छोड़ देने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने यह कहा कि उम्र बढ़ जाने के कारण उनसे यदि कोई भूल चूक हो गई तो 40 साल तक महाराज की सेवा करने के बाद जो अब तक उन्होंने इज्जत कमाई है वह सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात दीवानी के दौरान की नेकनामी कलंकित हो जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवी दूरदर्शी और बुद्धिमान दीवान का बहुत आदर करते थे। उन्होंने पहले तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर जब वे नहीं माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। परंतु नया दीवान वे ही चुनेंगे यह शर्त लगा दी। सरदार सुजान सिंह ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। सरदार सुजान सिंह ने दूसरे दिन ही समाचार पत्रों में एक विज्ञापन निकलवाया जिसमें देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता की बात लिखी हुई थी। जो व्यक्ति इस पद के लिए अपने को योग्य समझता है वे वर्तमान सरकार सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। उसमें यह भी लिखा था कि इस पद के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है पर हृष्टपुष्ट होना अति आवश्यक है। बीमार व्यक्ति को यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं है। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार व्यवहार की परीक्षा ली जाएगी जिसमें विद्या पर कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में सफल होंगे वे सज्जन इस महत्वपूर्ण पद के अधिकारी होंगे। जैसे ही यह विज्ञापन निकला सारे शहर में हलचल मच गई। लोगों ने इसे नसीब का खेल समझा। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ में आने लगे, अर्थात देश के कोने कोने से लोग देवगढ़ में भाग्य आजमाने के लिए आने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ।
किसी तरह का बंधन न होने के कारण मौलवी और पंडित भी यहाँ आ पहुँचे, क्योंकि वहाँ सनद अर्थात किसी प्रमाण पत्र की कोई जरूरत ही नहीं थी। सरदार सुजान सिंह ने आने वाले उम्मीदवारों के स्वागत का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया था। प्रत्येक उम्मीदवार दीवान बनने के लोभ में अपनी बुद्धि के अनुसार अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने का प्रयत्न कर रहा था। कारण उनका मानना था कि यह केवल 30 दिनों का कष्ट है, अर्थात सभी उम्मीदवार स्वयं को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयत्न करने में लगे हुए थे। 30 दिन तक उनके व्यवहार की परीक्षा ली जानी थी। यदि भाग्य ने साथ दे दिया और परीक्षा में खरे उतरे तो फिर आराम ही आराम। जो सज्जन सरदार सुजान सिंह की परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा वही देवगढ़ का दीवान बनेगा। यही कारण था कि जो सज्जन देर तक सोया करते थे वे यहां आकर सवेरे सवेरे उठकर आजकल बगीचे में टहलने जाते थे। हुक्का पीने वाले सज्जन भी छिपकर अंधेरे में सिगरेट पीते थे। जो घर पर काम करने वाले नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे वे भी यहां आकर आजकल आप और जनाब के सिवाय नौकरों से बातचीत तक नहीं करते थे। नास्तिक व्यक्ति भी यहां आकर धार्मिक व्यक्ति यानी आस्तिक व्यक्ति बन गए थे। वे भी ईश्वर के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। जिन महाशयों को किताबों से घृणा थी वे भी यहां आकर बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने में समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहां छिपा हुआ है। अर्थात सुजान सिंह उम्मीदवारों के रहन सहन तथा उनकी क्रियाओं पर नजर जमाए हुए थे। वे जांच रहे थे कि इन बनावटी व्यक्तियों में आखिर सच्चा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कहां छिपा बैठा है। एक दिन नए फैशन वालों ने हॉकी का खेल खेलने का कार्यक्रम बनाया। उनको लगा कि क्या पता यह विद्या ही किसी का भाग्य खोल दे। रियासत देवगढ़ के लिए यह एक नया खेल था। रियासत देवगढ़ में प्रायः ताश या शतरंज जैसे गंभीर खेल खेले जाते थे। दौड़ने वाले खेल बच्चों के होते थे, इसीलिए वहां यह खेल खेला गया था। चलिए खेल शुरू हुआ। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। संध्या तक सभी उम्मीदवार खेल खेलते रहे। खिलाड़ी
पसीने से तरबतर हो गए। हाँपते हाँपते बुरा हाल हो गया, परंतु हार जीत का फैसला न हो सका। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। जहां हॉकी का खेल हो रहा था, बस थोड़ी ही दूर पर एक नाला था। उस पर पुल बना हुआ नहीं था। यात्रियों को नाले में प्रवेश कर ही आना जाना पड़ता था। खेल अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। खिलाड़ी बैठे बैठे आराम कर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई एक बैलगाड़ी लेकर उस नाले में आया। नाले में कीचड़ बहुत अधिक थी, ऊपर से उसकी चढ़ाई भी बहुत ऊंची थी, अतः किसी प्रकार गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। बैलगाड़ी में सामान अधिक था, परंतु बैल बहुत कमजोर थे, जिसके कारण बूढ़े किसान की भरपूर कोशिश करने के बाद भी गाड़ी नाले से ऊपर नहीं चढ़ रही थी। बेचारा किसान निराश होकर इधर उधर ताकने लगा, पर कोई सहायक नजर नहीं आया। वह बहुत ही मुसीबत में फंसा हुआ था, क्योंकि रात बढ़ रही थी। गाड़ी छोड़कर वह घर भी नहीं जा सकता था। सामान के लूट जाने का डर था। सभी खिलाड़ी वहां से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी नजर से देखा, पर मदद मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी आंखों में कोई सहानुभूति नजर नहीं आ रही थी। वहां उनमें केवल उसे स्वार्थ अहंकार ही दिखलाई दे रहा था। खिलाड़ियों ने भी किसान को अवश्य देखा, पर अनदेखा कर वहां से चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जानकीनाथ नामक एक उम्मीदवार वहां आया, जिसके हृदय में दया और साहस दोनों विद्यमान थे। आज हॉकी खेलते हुए उसे पैर में चोट लगी थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी को देखकर तथा कीचड़ से भरे हुए नाले को देखकर पंडित जानकीनाथ सब कुछ समझ गए। पंडित जानकीनाथ ने किसान से कहा कि क्या वह उसकी गाड़ी बाहर निकालने में मदद करेगा। किसान डरा हुआ था, पर युवक की प्रेमपूर्ण एवं विश्वासपूर्ण साहसी बातों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। मदद की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। किसान गाड़ी पर जाकर बैठ गया। युवक ने पहिए को पूरी शक्ति लगाकर खिसकाया। वह घुटने तक कीचड़ में फंस गया, पर उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया तथा किसान ने भी बैलों को ललकारा। बैलों की भी हिम्मत बढ़ी। उन्होंने कंधे झुकाकर जोर लगाया और गाड़ी नाले के ऊपर चढ़ गई।
किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि आपने आज मेरी सहायता न की होती तो रात भर मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा कि तो क्या मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने कहा कि नारायण यानी ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। किसान ने उसे दीवानी मिलने का आशीर्वाद दिया। युवक ने किसान की ओर ध्यान से देखा। उसे संदेह हुआ कि हो न हो शायद ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है। किसान भी उसकी ओर भापती नजरों को भाप गया। चलिए किसी तरह महीना पूरा हो गया। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवारों के चेहरे पर आशा निराशा के भाव आ जा रहे थे। कह नहीं सकते कि आज किसके नसीब जागेंगे, आज किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ेगी। निश्चित दिन राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज कर्मचारी और दरबारी, दीवानी के उम्मीदवार सज धज कर दरबार में आ गए और निश्चित जगह पर बैठ गए। उम्मीदवारों के हृदय कांप रहे थे, वे तरह तरह की बातें सोच रहे थे। कुछ देर के बाद सरदार सुजान सिंह राज्यसभा में आए। सरदार सुजान सिंह ने कहा कि देवगढ़ को एक ऐसा दीवान चाहिए था, यानी इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया, प्रेम, करुणा और आत्मबल हो, और आज उन्हें सौभाग्य से एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है। इस संसार में इस तरह के गुणी लोग बहुत कम हैं। मैं पंडित जानकीनाथ को रियासत देवगढ़ के दीवान के रूप में चुनता हूँ। साथ ही साथ दीवान के रूप में चुने जाने पर मैं उनको बधाई देता हूँ। रियासत को ऐसा ही दीवान चाहिए था। धनवान एवं राज कर्मचारियों ने पंडित जानकीनाथ की ओर आदर से देखा, परंतु उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या के भाव थे। सरदार सुजान सिंह ने राज दरबार में कहा कि जो व्यक्ति स्वयं घायल होते हुए भी एक अनजान गरीब किसान की भरी हुई बैलगाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ाए, निस्संदेह उसके हृदय में दया, धर्म, साहस, आत्मबल एवं उदारता का भाव है। ऐसा व्यक्ति गरीबों पर कभी भी अत्याचार नहीं करेगा। उसका मन कभी भी चंचल नहीं हो सकता है। वह भले ही धोखा खा जाएगा पर किसी को धोखा नहीं देगा। वह दया एवं धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ेगा। वह सदैव अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने निस्वार्थ भाव से बढ़कर किए गए परोपकार को महत्व देने का प्रयास किया है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि
आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है, अतः लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और सुंदर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।